अवसर पर आप सभी अपना बहुत अनमोल समय देकर के आज के इस माहौल में अब चार चांद लगा दिए हैं। सच में आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। से हमारे युवा दिवस के अवसर पर स्वागत करता हूं। इस साल संतिता का जो पाकर मैं इसके जीवनी को छोटा सा पावर पॉइंट के रूप में बनाने के लिए प्रयास किया हूं। हालांकि ये बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जहां हम जानते हैं, जहां तक हमारी जानकारी है, घमंडी व्यक्ति का प्रवेश। डरपोक व्यक्ति का प्रवेश। विजयनगर मंडली आज आप लोगों के सामने एक सामाजिक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है मेरे सपनों की उड़ान। तो नाटक इस प्रकार से शुरू होता है। सब मन की जोहार, नमस्ते, प्रणाम। वो है को रिपोर्टर अमृता डोर्स टीवी से। तो आज मैं लाइव आऊं हिंदी मॉडल हाई स्कूल कर बाहर, जिसन के थे सब जाना ना कि क्लास 12 का रिजल्ट आई आउट हुई जा है। और यह स्कूल से एक छात्री 90 से बकरा मार्क्स लाइन के पूरा नगरकट्टा ब्लॉक में फर्स्ट डिवीजन लाइन है। आवा जाना वो कैसे मेहनत कर लग और वो कहाँ बने चाहेगा। हेलो हेलो, आपका नाम? मेरा नाम दीपिका नवीन है। आप कितना प्रतिशत लाके पास हुए? मैं 96। 96 बाप, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर, सोच भी नहीं रही। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे माता पिता बगान में काम करते हैं। वाह, देखा, माता पिता बगान में काम करें और बेटी का सपना इतना सुंदर, इनकम टैक्स ऑफिसर बने चाहेला। हम इन सरकार से कामना करें कि इस छात्र के उनका सपनों तक पहुंचने में मदद करे। तो इसी के साथ मैं रिपोर्टर अमृता तुम्हें से विदा लेना, धन्यवाद। एक सकेला सेरोफिना, वो दिन रात एक एक्ट्रेस बने कर प्रैक्टिस करत है। कर कितना साल बाद हम इनकर जीवन के देखेला का उमन अपन जीवन में कितना हद तक आगे बढ़ चुकी है। हम इन दीपिका कर जीवन के देखेला। कहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर बने कर सपना आज डी ग्रुप में पूछ के लग हुए हमें ग्रेस के देखेला। कहाँ डॉक्टर बने को रहे साइबर कैफे खोल के बैठ जा है आज। Thank you.
आज के बाद आप लोग जो रुक गए थे अपने जीवन में, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे शायद आज के नाटक को देखिए। तो हम विजयनगर के सभी युवतियों को उनके नाटक के लिए धन्यवाद देते हैं, साथ ही हम चिंगमारी के बन गया था, पर वो यह नहीं जानता था कि कहां से आया है।
भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दिखा देता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। दासों को दासों पबजी खेलते खेलते कल रात को कब आग लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोचा पढ़ाई तो कभी कर लूंगा, अब ये टूर्नामेंट दोबारा थोड़ी ना होगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। हम चलाते हैं
कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये मासूम सा चेहरे अपने आप दिखाते हैं। संपत्ति का जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। और पिता ने कुछ क्षण विचार करने के बाद अपने दोनों पुत्रों को अपनी अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ दिनों बाद उसका छोटा बेटा अपनी संपत्ति बटोर कर किसी दूर देश के लिए निकल पड़ा और वहां उसने भोग विलास और वेश्याओं के ऊपर अपनी समस्त संपत्ति उड़ा दी। क्या मैं अपना पेट भरने के लिए आपके यहाँ काम कर सकता हूँ? ठीक है, तुम मेरे सुअरों को चराने का काम कर सकते हो। इस प्रकार वह छोटा बेटा वहाँ निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और वह वहाँ सुअर चराने का काम करने लगा। वह इतना भूखा हो गया था कि अपना पेट भरने के लिए जो फलियाँ सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन वहाँ उस धनी व्यक्ति के अन्य नौकर से खाने नहीं देते थे। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। इसकी हालत और कमजोर होती जा रही थी। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। पुत्र के प्रति पिता का प्रेम उमड़ पड़ा और वह अपने पुत्रों को दौड़ कर गले लगाया और उसका चुंबन किया। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छे कपड़े लाओ। मोटा बछड़ा ला कर मारो, हम खाएंगे और आनंद मनाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा जो
अपने पुत्र को घर के भीतर लेकर खुशी से गाने और आनंद मनाने लगे। उसका बड़ा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। तब वह अपने एक नौकर को बुलाकर इस आनंद का विषय पूछने लगा। इस पर वह क्रोध हो गया और घर के अंदर जाने के बजाय घर के बाहर ही बैठ गया। तब नौकर ने अंदर जाकर उसके पिता से इस विषय में कहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, किंतु उसके बेटे ने क्रोध से आकर पिता से कहने लगा, ये सब क्या है? मैंने इतने वर्षों से आपकी सेवा की, मैंने कभी आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने मुझे एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। मैंने अपने मित्रों के साथ आनंद मना, लेकिन उस बेटे के लिए जिसने वैश्या को ऊपर आपकी सारी संपत्ति उड़ा दी, आप उसके लिए आनंद मनाने लगे? यह सुनकर उसके पिता ने उसे उत्तर देते हुए कहा, बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो, मेरा जो है सब तुम्हारा ही है, परंतु आनंद मनाना उचित है क्योंकि तुम्हारा भाई जो मर गया था वो जी गया। दृष्टांत को विस्तार रूप से देखे वह जाने, या उस समय की बात है जब प्रभु यीशु अपने चेलों को स्वर्ग राज्य के विषय में समझा रहे थे। उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से अपने चेलों को समझाते हुए कहा, आज मैं आप सबों को स्वर्ग राज्य के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदस्य है जो अपने दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरा घर से निकला। भूमिधर मजदूर खोजने निकला ताकि वह अपने अंगूर के बगीचे में उन मजदूरों को काम में लगा सके। सुनो भाइयों, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं आप लोग को एक काम दूंगा, करोगे? कितना दिनार मिलेगा? मैं तुम लोग को आप लोग को एक दिनार दूंगा, चलेगा? मेरे दागबारी में जाओ और वहां पे काम करो, ठीक है? फिर पहाड़ एक दिन चढ़े, लगभग वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, आप लोग दिन भर यहाँ पे क्यों खड़े हो? मेरे दागबारी में जाओ, वहां पे आप लोग को काम मिल जाएगा, ठीक है? मैं आप लोग को उचित मजदूरी दूंगा, ठीक है? लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकला और ऐसा ही किया। सुनो भाइयों, आप लोग दिन भर यहाँ पे बेकार क्यों खड़े हो? अभी तक कुछ काम नहीं किया है, बेकार पड़े। मेरे दागबारी में जाओ और वहाँ पे काम करो, ठीक है? ठीक है। शाम के समय बाड़ी के मालिक ने अपने करिंदे से कहा, सुनो सुनो भाई। जी हाँ, सभी मजदूरों को बुलाओ और उन्हें उनकी मजदूरी दे दो, जो पहले आए और बाद में आए सबको दे दो, ठीक है? ठीक है। सुनो सुनो सुनो, शाम हो गई है, हाथ पैर धो लो और इधर आओ, मैं तुम लोगों की आज की मजदूरी दूंगा। जब वे मजदूर आए जो एक घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला।
जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उसे पाकर वे कहते हुए भूमिधर के विरोध गुनगुनाने लगे। माली जी हाँ, हम लोग तो सुबह से काम कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों के समान दिनार कैसे मिला? तब भूमिधर बोला, भाइयों मैंने तुम लोगों से कोई अन्याय नहीं किया है। क्या मैंने काम में आने से पहले ही तुम लोगों को कह दिया था कि एक दिनार मिलेगा? यह उचित नहीं कि मैं अपनी संपत्ति अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करूं। मेरी इच्छा है कि तुम लोगों को जितना दिया है उन लोगों को भी उतना ही दूं। और फिर अभी नहीं आएंगे।